प्रधान जी हम नया सचिव हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। पंचायत का सीजन 3 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, तो चलिए इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन करते हैं और जानते हैं कि सीजन 3 में क्या कुछ होगा। तो अगर आप पंचायत सीजन 1 और सीजन 2 भूल चुके हैं तो उसके रिकैप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो जहां लास्ट सीजन खत्म हुआ था वहां हमने देखा था कि आखिरी में एक ट्रांसफर लेटर आता है सचिव जी का, जिसे देखकर सब समझ जाते हैं कि ये विधायक का ही काम है। तो अभिषेक जी का हो जाता है ट्रांसफर और अब ये सीजन शुरू होता है जहां पे फुलेरा गांव में नया सचिव आता है। प्रधान जी को कॉल करने पे उनके रिएक्शन से समझ जाता है कि वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। नया सचिव और वहीं अभिषेक जी जिनका ट्रांसफर कहीं और हो चुका है वो अपनी एग्जाम की तैयारी के चलते रिजाइन करने के बारे में सोचते हैं, बट उसी दौरान उनका ट्रांसफर कैंसिल हो जाता है और वो वापस से अपॉइंट हो जाते हैं फुलेरा गांव में। बट वो डिसाइड करते हैं कि वो पिछली बार की तरह गांव की पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं। अच्छा भला रिजाइन कर रहा था, हाल तो मैं वापस आ गया इस गांव ही होंगे, क्योंकि उसका नतीजा तो वो भुगत ही चुके थे। यहाँ पे हमने कुछ सीन्स में रिंकी और सचिव जी का लव एंगल भी देखा, जहाँ पे रिंकी अभिषेक को चाय के लिए पूछ रही होती है और वहाँ पे सचिव जी इस कश्मकश में होते हैं कि कहीं उन्हें कोई साथ में देख ना ले। अंधेरे में जाके क्या करेंगे। इसी सीजन में हमें मोस्ट अवेटेड पंचायत इलेक्शन भी देखने मिलेंगे, क्योंकि पिछले पूरे सीजन में उसी इलेक्शन को लेकर के काफी सारी जद्दोजहद चल रही थी दोनों तरफ से और हमने भूषण का भी एंगल देखा। तो इसी पंचायत के इलेक्शन के लिए भूषण ने पॉलिटिक्स खेलना भी शुरू कर दिया है। फ्रॉड चल रहा है। हालांकि हमने पिछले सीजन में भी भूषण की कई हरकतें देखी, इस सीजन में भी वो नए प्रधान के इलेक्शन के लिए अपनी बीवी को खड़ा करने की तैयारी में है। तो इस सीजन में भी पॉलिटिक्स खेलने के लिए वो पूरे गांव वालों को प्रधान जी के खिलाफ भड़काने की पूरी तैयारी में है। अब हमने ये भी देखा है कि एक सीन में सभी लोग जहां काउंसिल मेंबर्स सारे बैठे हुए हैं वहीं पे भूषण एक प्रस्ताव रखता है कि विधायक जी से शांति समझौता कर लिया जाए, क्योंकि मुद्दा तो रोड बनाने का है और फंड भी ऑब्वियसली विधायक जी से ही आने हैं। इस बात पे सभी उसकी हंसी उड़ाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि प्रधान जी उनके अगेंस्ट हैं, पर भूषण तब भी बात करने के लिए विधायक जी से जाता है। अब विधायक जो कि ऑलरेडी सचिव जी के प्रधान जी के अगेंस्ट हैं, वो भूषण से कहता है कि मेरा पूरा सपोर्ट तुम्हारे साथ है, तुम तख्ता पलट की तैयारी करो। आप लोग तख्ता पलट कीजिए, सपोर्ट रहेगा। तो यहाँ पे मेन चुनावी मुद्दा रोड बनाने का है और अब विधायक भूषण के सपोर्ट में है। और पिछले सीजन में हमने देख ही लिया है कि जिस तरीके की चीजें हुई हैं, प्रधान जी विधायक का सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं लेने वाले हैं। तो मोटा मोटा इस सीजन में हमें गांव की काफी पॉलिटिक्स देखने मिलेगी और हम देख ही चुके हैं कि किस तरीके से दो टीम्स डिवाइडेड हैं, एक भूषण एक प्रधान जी, और अब विधायक का सपोर्ट भी भूषण को मिल चुका है तो उसका भी पल्ला थोड़ा भारी हो गया है। और मेन मजा आएगा ये देखने में कि अंत में किसकी जीत होती है। यहाँ पे सीजन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए काफी कुछ एक्शन, फायरिंग, हाथापाई ये भी सब देखने मिलने वाला है और एंड में जीत किसकी होती है ये देखने के लिए हमें 28 मई तक वेट करना पड़ेगा, जब पंचायत का सीजन 3 रिलीज होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।